ये जो महाभारत है ना, नहीं ये अर्जुन है उसकी, और मुझे तुम चाहे कृष्ण मान लो, पर इस बार बांसुरी नहीं है क्योंकि इस बार सुदर्शन चक्र है राघव सिंह राजपूत। ये लीजिए गोल्ड चेक, और ये लीजिए चेक, भर लीजिएगा। अरे पर किस लिए? चेक केस, केस छोड़ दीजिए, कोर्ट में आप जीत नहीं सकते। करेंगे एडवोकेट अंजलि अवस्थी के एपिसोड के बारे में, जिसमें अंजलि ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम जानते हैं कि इस बार अंजलि की कहानी में कौन सा नया मोड़ आया है। इस एपिसोड में अंजलि, जो कि एक होशियार और दृढ़ निश्चय वकील है, उसने फैसला किया है कि वो युवराज के खिलाफ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अंजलि अब अपनी जंग खुद लड़ने का फैसला बना चुकी है। अंजलि को सबूत मिल चुका है और वो अब इन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल करने का सोच रही है। उनकी माँ, जो हमेशा उनकी भलाई चाहती है, उनसे कहती है कि वो इस केस से पीछे हट जाएं और वकालत छोड़ दें, लेकिन अंजलि का दिल कहता है कि नहीं, उन्हें अपनी माँ का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन वो जानती हैं कि उन्हें अपनी राह खुद तय करनी होगी। अंजलि कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे खिलाफ भी जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। मैं युवराज को जेल भेजने की पूरी तरीके से ठान चुकी हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि अंजलि किस तरह अपने फैसलों को मजबूत बनाती है, और ये दिखाती है कि वो एक मजबूत महिला है। उनके मन में संकल्प है और वो हर हाल में न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अंजलि अपनी इस लड़ाई में कितनी सफल होती हैं, क्या वो अपने केस में जीत पाएंगी, क्या युवराज सच में जेल जाएंगे। दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि अंजलि इस केस को जीत पाएंगी, क्या उनका संघर्ष सफल होगा। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।